Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूँ आज वीडियो नंबर 67. आज हम पढ़ेंगे ई बिजनेस के क्या फायदे होते हैं और ये टॉपिक मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 126 पे. बोल दो ना स्लोगन, स्टडी टुगेदर, ग्रो टुगेदर. देखो, फर्स्ट क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है ई बिजनेस का. इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट. देखो, ई बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत इजी है, बहुत बहुत सिंपल है, है ना. आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की नॉलेज चाहिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत टेक्नो फ्रेंडली आपको होना जरूरी है, टेक्नो सावी होना जरूरी है, और ई बिजनेस बहुत इजीली स्टार्ट हो जाता है, है ना. एंड इसमें इतना इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं होता. कैसे, सपोज करो मैं एक मोबाइल कवर्स की शॉप खोलता, ठीक है, तो मुझे शॉप को रेंट करना पड़ता. रेंट के मेरे को पैसे जाते लाइक 15, अगर अच्छी प्लेस पे कर रहा हूं तो 15 से 20 हजार नॉमिनल है, ठीक है. और मेरे को 15 से 20 हजार तो मेरा फिक्स कॉस्ट हो जाता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर वाटर सप्लाई, न्यूज़पेपर सप्लाई, ठीक है, उस स्टोर का इंटीरियर डिजाइन करना, और कितना सारा कॉस्ट मेरा लग जाता है ना. सो एक्चुअली फिजिकल बिजनेस करने में कितना कॉस्ट लगता है. इंटरनेट बिजनेस का क्यों फायदा है, क्यों लोग आजकल इंटरनेट बिजनेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहां पे इन्वेस्टमेंट इतना चाहिए ही नहीं, है ना. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट यू नीड टू क्रिएट अ साइट और एन एप्लीकेशन. एक ऐप बना दो या एक वेबसाइट बना दो और वहां से सेलिंग करना स्टार्ट कर दो. सो कितना इजी हो जाता है, बहुत लोअर इन्वेस्टमेंट में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. सो ये सबसे बड़ा फायदा है ई बिजनेस का, ठीक है. जैसे से फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल की मुझे मोबाइल का याद आ रहा है, bavara.com हुआ या bewakoof.com हुआ, ये सब क्या है, ये साइट्स हैं. bewakoof.com पर तो खैर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, क्लोथिंग, बैग, मटेरियल, सब कुछ मिल जाता है, है ना, सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी. और bavara.com एक ऐसी साइट है जिसमें सिर्फ आपको मोबाइल कवर्स मिलते हैं. अब सपोज करो मेरे को मोबाइल कवर की शॉप खोलनी होती या इस ओनर को खोलनी होती, तो फिजिकली ये खोलता तो इसका कितना इन्वेस्टमेंट लगता, और सक्सेस की कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं. इसने क्या किया, एक ऑनलाइन मॉडेम स्टार्ट किया, एक साइट बना दी bavara.com, और इसकी एडवर्टाइजिंग इंस्टाग्राम पे कर दी. जितना पैसा वो अपने शॉप पर देता रेंटली, रेंट देता, उतना उसने, उससे भी कम पैसा उसने इंस्टाग्राम पर दिया, और कितने सारे लोगों को वो एक साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना. तो जो चाहे, जिसको जैसा कवर चाहिए वो देख सकता है, पसंद कर सकता है और खरीद सकता है. सो ई बिजनेस में क्या है, बहुत इजीली ये फॉर्म हो जाता है. एक एप्लीकेशन ही तो चाहिए, एक वेबसाइट ही तो चाहिए, और बहुत लोअर इन्वेस्टमेंट में ये स्टार्ट हो जाता है. देन सबसे इम्पोर्टेंट फायदा क्या, इसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिट ही नहीं है ना. मैंने क्या बताया, अगर एक बंदा, सपोज करो मैं एक आगरा में शॉप खोलता हूं, तो मैं सिर्फ आगरा के उस पर्टिकुलर लोगों को केटर कर पा रहा हूं. लेकिन मैंने अगर एक वेबसाइट बना दी तो मैं शिपिंग कर सकता हूं और मैं पूरी दुनिया में कहीं भी केटर कर सकता हूं. सो ई बिजनेस का पहला फायदा क्या हुआ, बहुत इजीली फॉर्म हो जाता है, और बिना किसी, या कह लो बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट से फॉर्म होता है, ठीक है. अब आप कहोगे, आर्ग्यू करोगे कि वेबसाइट बनाने का भी तो पैसा लगता है. बिल्कुल लगता है, लेकिन फिजिकल रेंट से तो एनी डे बहुत कम लगता है. देन सेकेंड आता है कन्वीनियंस, सुविधाएं, है ना. देखो, बिजनेस का एक क्रिटिकल पार्ट होता है सर्विसेज. जो बिजनेस अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है वही बिजनेस प्रॉस्पर कर पाता है. देखो, ई बिजनेस शॉपिंग कैन बी डन कन्वीनियंटली सिटिंग एट होम. मिलियंस ऑफ पीपल आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट. कन्वीनियंस है यहां पर. कैसे कन्वीनियंस है, कस्टमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड हो रही है. क्या करना है आपको, एक साड़ी खरीदनी है, जाओ बाहर शॉप पे जाओगे तो क्या होगा, आपको चार अलग अलग शॉप्स पे जाना पड़ेगा, आप थक जाओगे, टाइम वेस्ट होगा. घर पे बैठो ना, आराम से साइट्स पे लॉगिन करो, कॉमर्स साइट पर, ई कॉमर्स साइट पर, और खरीद लो. और क्या, आपको दिक्कत हो रही है तो आप फिल्टर अप्लाई करो, जैसे चाहिए, येल्लो चाहिए, बनारसी चाहिए, जिस टाइप की साड़ी चाहिए, है ना, सूती चाहिए, खादी चाहिए, उस टाइप की साड़ी आप परचेज कर लो. जिस प्राइस में चाहिए उस प्राइस में आपको अलग अलग कैटेलॉग्स मिल जाएंगे, और तो और कैशबैक भी मिलेगा. घर बैठे बैठे इतना फायदा. सो आ रहा है आपको समझ में, ई बिजनेस के एडवांटेज क्या है, कन्वीनियंस. किसको कन्वीनियंस मिल रही है, कस्टमर को. किसको इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड हो रही है, कस्टमर को. इसीलिए तो आप देखोगे ऑफलाइन बिजनेसेस भी ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ मोल्ड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस. भूख लग रही है, खाना खाना है, जस्ट ऑर्डर कर दो खाना, जैसा खाना चाहिए. इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड कर दो कि मेरे को 2 स्पून एक्स्ट्रा देना, है ना, या मेरे को जला हुआ खाना पसंद है जला करके देना, एज इट इज आपको खाना मिलेगा. सो समझ में आ रहा है, ई बिजनेस की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या हुई, कन्वीनियंस, कस्टमर प्रेफरेंस. इसी वजह से ई बिजनेस बहुत ज्यादा
ग्रो कर रहे हैं। आया आपको समझ में? देन देखो नेक्स्ट फीचर आता है स्पीड। बिजनेस इज डन इन अ ब्लिंक क्लिंक ऑफ अ माउस। कुछ परचेज करना है आपको, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक माउस के क्लिक कर क्लिक पर, आपके फोन के एक उंगली पे टैप करने करने पर, है ना, जस्ट सिर्फ टच करने पर आप हैंड टू हैंड परचेज कर देते हो, है ना, और फटाफट आपका काम हो जाता है, ठीक है। और स्पीड में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि फंड ट्रांसफर का, देखो जो पेटीएम है, फोन पे है, अमेजोन पे है, ये जो साइट्स हैं, मोबीक्विक है, इनमें कितनी इजीली बिना बैंक गए, बिना कैश यूज किए आप सारा काम कर सकते हो, है ना। सो ये जो होते हैं, जो फंड ट्रांसफर फैसिलिटी ई बिजनेस प्रोवाइड करता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक पल्स कहते हैं, उसे कहते हैं ई बिजनेस का बैकबोन, ठीक है। सो देखो ई बिजनेस में काम बहुत स्पीडली हो जाता है, कितनी कन्वीनियंटली हो जाता है, घर बैठे बैठे आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, एंड विथ फुल लेजिटिमेसी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के बाद आप जाते किसी शॉप पर, वहां से आपको बिल आप पे करते, वो आपको एक रिसिप्ट देता, हो सकता है आप वो रिसिप्ट खो देते, हेंस कोई प्रूफ नहीं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेटीएम जैसी साइट पर कर रहे हो, या किसी भी साइट पर कर रहे हो, ई कॉमर्स साइट पर, सो क्या हो रहा है, आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिल रही है। अगर वो सॉफ्ट कॉपी आप डिलीट भी कर देते हो, तो भी आपके अकाउंट के ऑर्डर सेक्शन में वो हमेशा एनी डे दिखाएगा कि आपने बिल परचेज किया है, बिल पे किया है। सो स्पीड है, कन्वीनियंस है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, कितने फायदे हैं ई बिजनेस के, आ रहा है आपको समझ में? देन देखो नेक्स्ट सबसे बड़ा फीचर क्या है ई बिजनेस का, क्या फायदा है? ग्लोबल रीच, ग्लोबलाइजेशन आ गया है ई बिजनेस के कारण। आज आप अमेरिका नहीं जा सकते, लेकिन आप अमेरिका का प्रोडक्ट अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हो। आपको अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, अमेरिका आपके घर पे आएगा, इन द सेंस वो प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगा। कैसे ई बिजनेस कैसे होता है? इंटरनेट पर होता है, इसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी पर्टिकुलरली एक्सेस कर सकता है। अगर आज आप एक यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके घर वाले देख रहे हैं, या सिर्फ आपका एरिया देख रहा है, या सिर्फ हिंदुस्तान देख रहा है, आप पूरी दुनिया में फेमस हो रहे हो, पूरी दुनिया का कोई भी इंसान एक्सेस कर सकता है आपके वीडियो को, आपके कंटेंट को। सो ई बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ग्लोबल रीच, यहां पर कस्टमर किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लिमिट तक ही नहीं रहा है, कहीं भी कस्टमर पहुंच सकता है, आप कहीं भी पहुंच सकते हो, और हर एक दुनिया का जो कस्टमर है, हर एक दुनिया का इंसान जो परचेज करना चाहता है, वो आपका कस्टमर है, वो आप उसे कस्टमर कस्टमाइज करने में हेल्प कर सकते हो, उसे परचेज करने में हेल्प कर सकते हो। देखो यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया एंड होल वर्ल्ड कैन बी ट्रेडेड। पूरी दुनिया के साथ आप बिजनेस कर सकते हो। कहां मैं एक, या कह लो कहां एक पर्टिकुलर इंसान एक ऑफलाइन स्टोर खोलता कवर, मोबाइल कवर्स का, और लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी होती कस्टमर्स के पास, कहां उसने एक बहुत बड़ी साइट बना दी beavara.com, और सारी दुनिया, चाहे नो मैटर अमेरिका में भी कोई बंदा अगर कवर लेना चाहता है आईफोन का, तो वो वहां से ऑर्डर कर सकता है, उसको शिपिंग हो जाएगी। सो ई बिजनेस की सबसे बड़ी फायदा क्या हुआ? दोनों साइड से, कस्टमर एंड द बिजनेस, ग्लोबल रीच। बिजनेस को फायदा क्या कि हजारों लोग, पता नहीं कितने ही लोग उसके बिजनेस को यूज कर सकते हैं, उसके उसके कस्टमर बन सकते हैं। कस्टमर को फायदा क्या हुआ कि जैसी चीज आपको चाहिए आपके घर बैठे कन्वीनियंस में आपको मिल जाती है। सो ई बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या? नो ज्योग्राफिकल बैरियर, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर बचा ही नहीं है। आया समझ में? नेक्स्ट फीचर आता है ई बिजनेस का कि क्या कस्टमर को बेनिफिट मिलता है। ई बिजनेस कॉस्ट सेविंग है। कैसे? ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। क्यों? क्योंकि यहां पे बिजनेसमैन को क्या फायदा हो रहा है, उसे कोई फिजिकल असेट नहीं खरीदना पड़ रहा, शोरूम पे पैसे नहीं बर्बाद करने पड़ रहे, है ना, उसे कोई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेना पड़ रहा, यहां डायरेक्ट सेल हो रही है। समझाता हूं कैसे। अगर आप ऑफलाइन कोई भी चीज परचेस करते हो, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप कभी भी कोई मोबाइल खरीदोगे या कोई भी आइटम खरीदोगे, तो आप देखोगे ऑनलाइन कन्वीनियंट है, ज्यादा चीप है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। रीजन क्या है मैं समझाता हूं। ऑफलाइन जब वो होता है, तो प्रोड्यूसर जो बना रहा है वो मैन्युफैक्चरर को देता है, कहीं केसेस में ऑलमोस्ट 99% ये सेम भी होते हैं। यहां पे मैंने थोड़ा डिस्टिंक्ट कर दिया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर एजेंट को देगा वो माल, ठीक है, इसमें एजेंट अपना कमीशन बनाएगा। एजेंट होलसेलर को देगा, होलसेलर अपना कमीशन बनाएगा। होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर अपना कमीशन बनाएगा। एंड देन फाइनली ये कस्टमर तक पहुंचेगा, जिसमें कितने लोगों का कमीशन इन्वॉल्व होगा? प्रोड्यूसर का, मैन्युफैक्चरर का, एजेंट का, होलसेलर का, रिटेलर का। और ये सारे कमीशन कौन अल्टीमेटली बेयर कर रहा होगा? कस्टमर बेयर कर रहा होगा। सो कितना महंगा पड़ जाता है, ठीक है। वहीं ई बिजनेस के थ्रू क्या होता है,
क्यों सस्ता पड़ रहा है, जिसने बनाया वो डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट कर सकता है, कस्टमर से, उसे इतनी बड़ी मार्केटिंग चेन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अल्टीमेटली उसे कस्टमर को भी क्या फायदा हुआ, उसे सिर्फ एक ही इंसान का कमीशन बेयर करना होगा, दैट इज द प्रोड्यूसर, जिसका प्रॉफिट हुआ, उसके अलावा और उसे किसी का कमीशन बेयर नहीं करना पड़ रहा। सो दैट इज वाई यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑनलाइन आर चीपर देन ऑफलाइन बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। सो ई बिजनेस क्या फायदा हुआ आपको, कॉस्ट सेविंग है यार, पैसा बचता है, ठीक है। देन देखो सिक्स्थ, मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। ई बिजनेस से क्या हो रहा है, सोसाइटी पेपरलेस हो रही है, एनवायरमेंट को काफी फायदा मिल रहा है, इको फ्रेंडली, कैसे, पेपर वर्क नहीं हो रहा। आजकल क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म्स भर जाते हैं, ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपको एक्चुअली कोई प्रिंट नहीं करवाना, उसको पेन से लिखना नहीं है, बस आपको ऑनलाइन टाइप करना, ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है, ऑनलाइन ही भर देना है, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन भी जो है वो बहुत कंपेरेटिवली बहुत फास्ट रीच करती है। थिंक ऑफ द टाइम जब पीएसयूज के जॉब आते थे, तब लोग पेपर में पूरा पेपर पढ़ते थे, एक एक बारीक बारीक क्लासिफाइड सेक्शन छानते थे और उसमें देखते थे कि जॉब अवेलेबल है या नहीं है, और उसमें भी आधी डिटेल्स होती थी, उन्हें पूरी डिटेल्स के लिए बहुत सारी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन आज का टाइम देखो, इंटरनेट पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, हजारों साइट्स हैं, जैसे सरकारीनौकरी.com हुआ, jobs.com हुआ, जो आपको बताती हैं कि कैसे क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो एक तो देखो पेपरलेस हो गया है बिल्कुल, आपको फॉर्म ऑनलाइन भर जाता है, देन इन्फॉर्मेशन बहुत करेक्टली बहुत जल्दी फास्ट पहुंच रही है। इनफैक्ट कुछ बेनिफिट्स और मैं आपको बता दूं, तो इनकम टैक्स ऑनलाइन पे किया जा सकता है, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा 99% पॉपुलेशन ऑनलाइन इनकम टैक्स पे करती है, ठीक है। आपके पासपोर्ट ऑनलाइन बन जाते हैं, आपको लंबी कतार में, लंबे क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ता। सो कितने सारे ओवरऑल मिसलेनियस बेनिफिट्स भी हैं ई बिजनेस के, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट से बिजनेस करने के, टू बोथ द कस्टमर एज वेल एज टू द बिजनेस। आया आपको समझ में, आई होप मैं आपको पढ़ाने में सफल रहा, सक्सेसफुल रहा, इंटरेस्टिंग रहा ये वीडियो। कुछ नहीं पसंद आया तो पॉज करके दो बार देखना, पसंद आ गया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, स्टे सेफ।